नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं निहारिका शादे हाजिर हूँ खबर दिन भर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर सपा सांसद आजम खान का नया बयान, कहा सभी आरोप हैं झूठे, एक एक इंच जमीन खरीद कर बनाई है। उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का ऐलान, नहीं लड़ेगी विधानसभा का उपचुनाव। उन्नाव रेप केस पर 30,000 कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई, थाना प्रभारी से हो सकती है जिरह। अभी से चुनावी मिशन पर लगी भाजपा, अनुच्छेद 370 खत्म होने से सदस्यता अभियान को मिली गति। रक्षाबंधन के अवसर पर वाराणसी की मुस्लिम बहनों ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजी 2 स्पेशल राखी, तो आग बबूला हो गए मौलाना। वहीं बढ़ते हैं अब उत्तराखंड की ओर, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में फटा बादल, 6 लोगों की मलबे में दबकर हुई मौत। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे हल्द्वानी, बोले स्वास्थ्य और स्वच्छता पर हम सबकी है जिम्मेदारी। सावन मास के आखिरी सोमवार को धर्मनगरी में इसके सजे शिवालय किए गए खास इंतजाम। देहरादून के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण की हार्ट अटैक से हुई मौत। देहरादून में आरडी और एफडी के नाम पर करोड़ों ठक्कर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की जमीन कब्जाने के आरोपों में फंसे सपा सांसद आजम खान ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी के लिए एक एक इंच जमीन खरीदी है। रामपुर ईदगाह में नमाज के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान वह प्रशासन की कार्रवाई को लेकर काफी नाराज दिखे। अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बड़ी तैयारी में लगे। इसी कारण इनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा की 13 सीट पर होने वाले उपचुनाव में नहीं लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी में लगी है। इसके साथ ही पार्टी इस बार हरियाणा तथा दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन भी कर सकती है। अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को भी आज सुनवाई होगी। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई के दौरान दुष्कर्म और उसके अन्य मामलों में फंसे उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी और थाना प्रभारी से हो जिरह सकती है। यहीं पर बता दें कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले की रोजाना सुनवाई चल रही है। अगली खबर, जहां जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद भाजपा के प्रति लोगों में जबरदस्त आकर्षण बढ़ा है। असर यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 7 लाख सदस्य बन रहे हैं। शनिवार तक बनाए गए 1.2 करोड़ सदस्यों में करीब 45 लाख नए सदस्य हैं। यह अभियान 20 अगस्त तक चलना है। सदस्यता अभियान के जरिए भाजपा हर बूथ पर जातीय समीकरण की मजबूती भी तय कर रही है। अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार 15 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के लिए डबल खुशी वाला रहेगा। इस बार इन सभी ने अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष राखी तैयार की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिफाफे में 2 राखी भेजी गई, एक 3 तलाक मुक्त और दूसरी 370 मुक्त। इस बीच राखी भेजे जाने पर मौलाना नाराज हो गए हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां चमोली जिले के घाट ब्लॉक में सोमवार सुबह आसमान से कहर बरसे और बादल फटने से 3 गांव में हुए भूस्खलन में मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना घाट ब्लॉक के बांजबगड़ गांव की हुई, जहां सोमवार को तड़के 5 बजे बादल फट गया। इससे गांव के अब्बल सिंह का मकान मलबे में दब गया। हादसे में घर के अंदर सो रही अब्बल सिंह की पत्नी रूपा देवी और बेटी चंदा 9 महीने की बेटी दबकर उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना घाट ब्लॉक के आली गांव में हुई। यहां बादल फटने से हुए भूस्खलन से नीनू राम का मकान भी मलबे में दब गया। इनमें नीनू राम की बेटी नौरती की दबकर मौत हो गई। तीसरी घटना घाट ब्लॉक के लांखी गांव में हुई, जहां सुबह 8:45 बजे बादल फटने से गांव के शंकर लाल का मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया और मलबे में दबकर अजय और पुत्र सुरेंद्र लाल, अंजलि पुत्री और साथ ही शंकर लाल और आरती उनकी बेटी शंकर लाल की मौत हो गई। सभी मृतकों के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। उधर चूफला गदेरा के उफान पर होने से 2 मकान और 3 दुकानें बह गईं। जिले में मौसम अभी भी खराब है और हल्की बारिश जारी है। अगली खबर, जहां देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर रहें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ समय में ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
खासकर स्वच्छता में सहयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हम देश में और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। अगली खबर, जहां सावन महीने के आखिरी सोमवार को धर्मनगरी के शिवालय सज गए हैं, जलाभिषेक को मंदिरों में खास इंतजाम किए गए। अंतिम सोमवार प्रदोष पड़ने के चलते सावन महीने में 15 अगस्त को खत्म हो रहा है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को अत्यंत प्रिय है और जलाभिषेक से महोदय अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। 12 अगस्त को महीने का अंतिम सोमवार होने के चलते भगवान शिव की ससुराल यानी कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जलाभिषेक को उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर मंदिर समितियों की ओर से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा बिलेश्वर मंदिर, तिल भांडेश्वर मंदिर, दरिद्र भंजन मंदिर, नीलेश्वर महादेव समेत अन्य शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। भोर से ही जलाभिषेक शुरू हो गया है। अगली खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र सरन की 70 वर्ष में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी पत्नी और पुत्री के साथ टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित आनंद होटल में ठहरे हुए थे। जानकारी के अनुसार सोमवार को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सुबह करीब 7:15 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें CPR विधि के जरिए उपचार देने का प्रयास किया। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर हरीश थपलियाल ने बताया कि इमरजेंसी में उन्हें लाया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अगली खबर, जहां जन बंधन निधि कंपनी में FD और RD में करोड़ों रुपए जमा कराने वाले संचालक फरार हो गए। कंपनी द्वारा जारी 52 चेक बाउंस होने के बाद ग्राहकों को ठगी का पता चला और मामले में ग्राहकों की तहरीर पर डालन वाला पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण की जांच भी जारी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ UP और उत्तराखंड, और साथ ही साथ फॉलो करें हमें फेसबुक पर और डाउनलोड करें हमारा ऐप NY000 News App।